आधी आती तो बताइए कि यहाँ पे वीडियोस वगैरह कुछ बना नहीं सकते हैं। पहले हाई हील सैंडल। तो हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला वेलकम है तुम्हारा हमारे ब्लॉग में जो कि है विश्व रोहतला। बहुत ही डर थी, फाइनली जीएजी लोग तो पहुँच गए हैं, डीआरके लोग पता नहीं कब आएंगे, और सपना यहाँ सो रखी है, तो इसलिए मैं फटाफट जल्दी उठ के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो चलो मैं उनको लेने जाता हूँ, फिर आपको मिलवाएंगे उनसे। सपना बाबू उठो, जीजी आ गए। तो दोस्तों जिया जी लोग सभी पहुंच गए यहाँ पे, ये देखो ये मेरे पीछे सारे के सारे, अभी इन्होंने चाय पी है, ठीक है। तो अब ये कह रहे दोबारा हमारी एंट्री ले फटाफट, ये अब ऐसा कह रहे हैं। तो ये सारे पहुंच गए, मैं एक बार आपको मिलवा देता हूँ। ये हमारी है, ये हमारी ठुल दीदी है, इसने अभी तक ब्रश भी नहीं कर रखा है। और ये हमारे फिर छोटे वाले जिया जी हैं, फिर ये नील दी है छोटी वाली, फिर एक हमारे ठुल वाले जिया जी हैं, ये वाले, और ये हमारे बॉडी के धर्म पत्नी। अब हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं, अभी आपको ऊपर से दिखा देते हैं। ले पेरे हाई हील सैंडल। तो भाई इनका डांस वांस चालू हो रखा है, बड़े पूरे रास्ते में ही बजाते हुए हैं। मेरे जिया जी लोग तो चलान कटवा के आए हैं, गाने बजाते हुए जा रहे थे तेज आवाज में, 7,000 रुपये का चलान कट गया उनका। यहाँ पे सारे के सारे पहुंच गए, पहले नकोचा तालो सामने वाली पहाड़ी पे पहुंच गए थे, ये देखिए इनको। ये कॉपीराइट लगवाओगे तुम्हारे ही गाना है, इसमें कैसे कॉपीराइट। चलो चलो। तो दोस्तों यहाँ पे सभी लोग पहुँच गए हैं, डीआर के भाई पहुँच गए हैं, और मनीष भाई, ये पंकज, पंकज भाई, पंकज भाई पहुँच गए हैं, और एक हमारे आ गए हैं रिश्तेदार, ये सपना के रिश्तेदार हैं, ये भी, ये भी, ये भी। अच्छा पौड़ी क्यों भाई, मैं तभी कह रहा यार इतना मजे क्यों लेने सॉन्ग में, मैंने कहा अच्छा मैं देसी वैसी होंगे। अच्छा तो ये पौड़ी गए, तो फ्रेश होकर कैची धाम के लिए निकलते हैं फिर हम। हेलो, जीत जीत को भी करना है क्या? नहीं 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 नहीं, अरे वो तो तुमसे छोटी हुई वैसे भी। 40 किलोमीटर आगे तो पीछे कैसे होगा, पहले तो बताओ। हम रुकते रुकते आए बड़ा आराम से ना, कितना रुक गया, कम से कम 5-6 जगह। तो एक एक घात और चाय हो रही है यहाँ पे, दीदी को लग रही है बहुत ज्यादा ठंड, स्माइल के साथ इसलिए हमारे मेहमान आए हुए हैं, वो पोज दोनों सेम दे रखा है, दोनों का पोज देखो। उसने दुआ रोक रखा कि वो उसमें ना है कैमरे में, काट भाई तो कट जाएगा। चलो चलो चलो। तो दोस्तों ऐसा हुआ है कि ये लोग आ गए यहाँ पे, और आते के साथ ही हमारे पास बहुत सारा कूड़ा जमा हुआ था, तो कूड़ा दे दिया है इनको, गाड़ी में डिग्गी में रखा, अभी कूड़ा फेंकेंगे हम यहाँ पे। तो पंकज भाई गाड़ी चला रहे हैं और डीआरके भाई पीछे बैठे हैं, इनके 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना। और अभी दिखाता हूँ यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है बड़ी गंदी वाली, ये देखिए। अच्छा ये पूरी लैंडस्लाइड हो रखी है और नीचे आ गए, ऊपर से टूट टूट गई, ये देखिए। हाँ ये तो और पास आ गया वहाँ पर। तो यहाँ पे जैसे कि रोड वो लैंडस्लाइड हो रखी थी ना, अब बुलडोजर वगैरह आ गए यहाँ पे। यहाँ पे हमने ले लिए एक ट्रे और 2 ब्रेड, इसके बाद हम निकलते हैं वहाँ के लिए कैचीधाम मंदिर के लिए। पर हम तो अंडे खाएंगे नहीं, हम बिना खाए जाएंगे, वहीं पे कुछ खा लेंगे हल्का फुल्का, फिर घर पे आके पनीर वगैरह ले आएंगे, क्योंकि जिया जी लोग आए, मेरे ख्याल से मे भी वो चिकन वगैरह खाएं। इनका पता भी नहीं, अभी नहीं इन्होंने नहाया नहीं नहाया, पता तो लग नहीं रहा कि नहाया नहीं नहाया। चलो चलो भाई साहब, यहाँ पे सबसे पहले डीआरके ने नहाया, फिर पंकज भाई ने नहाया, फिर मैंने नहाया, पता नहीं इनका तो पता नहीं, संजय भाई कह रहे सबसे पहले मैंने नहाया। तब तक हम मार्केट में सामान लेने गए थे, वो एक्ट्रे वगैरह ब्रेड, अब ये ड्रायर कर रहे हैं। और ये दीदी को हमारी नींद नहीं आ रही है, और ये धर्म पत्नी जी अब ये दीदी को अंडा ब्रेड खिलाएगी। निकलते हैं अब कैची धाम,
मेरे बिना, मेरे को ले जा रही है। तो ये जिया जी उनके साथ बाद में जाएगी, हम पहले जा रहे हैं। तुमने संजय भाई सच में नहाया है ना? सुन के देख लो बस। तो पंकज भाई भी रेडी हैं और दीपक भाई भी रेडी हैं, तो अब हम निकलते हैं फिर यहाँ से। हल्द्वानी बेटी गाड़ी चली। छोटू कैमरा साफ कर देना। हाँ बस, मस्त तरीके से पहाड़ी गाने। और ये बैच हमारे डीआरके भाई और संजू भाई। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक सॉन्ग बज रहे हैं कॉपीराइट आ जाएगा, तो अभी हम वीडियो यहीं बंद करते हैं। पंकज भाई ने गाने बजा दिए हैं तो थोड़ा यादगार बनेगा। ये भीमताल की मार्केट है, आप देख सकते हैं। तो ये सॉन्ग बच गया डीआरके का। सुन मेरी सोनी जा। अच्छा भाई पता नहीं था इतना सोच। तो ये आगे भवाली जस्सी की मार्केट अभी आपको दिखाई थी। तो ये हमारा साइड में है नंदा सुनंदा टेंपल। ये इनकी फोटो लगी हुई है, देख सकते हैं आप। ये इनकी फोटो लगी हुई है यहाँ पे। दोस्तों ये चौक आ गया है, ये नीचे को कैची धाम के लिए जा रहा है, मतलब अल्मोड़ा के लिए जा रहा है नीचे को, और ऊपर जा रहा है नैनीताल के लिए। तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से हम प्रसाद हमें वहीं से ख़रीदना पड़ेगा, या तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। तो दोस्तों हम पहुंच गए कैचीधाम मंदिर, तो अभी हम गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा देंगे और फिर उसके बाद बाबा जी के दर्शन करेंगे। पहले हमें उससे पहले वो भी पेठा, और मतलब पेठा कह रहा हूँ, प्रसाद वगैरह हम यहीं से ले गए क्योंकि भवाली से ले नहीं पाए। वही है मतलब। तो दोस्तों बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़। आ जाओ भाई आ जाओ। तो यहाँ से जो है फोन लेना अलाउड नहीं है। कहाँ पे कर रहे हो? दर्शन हो गए हैं। एक लड्डू खा लो, प्रसाद खा लो, और क्या। तो काफी ज्यादा भीड़ थी यहाँ पे। एक नंबर, बहुत अच्छा लगा, बाबा जी के दर्शन हो गए। एक्चुअली अभी थोड़ा बाढ़ लगा रखे थे वो अंदर जाने के लिए, मतलब अभी ऊपर नहीं था पूरी तरह से। वैसे तो भीड़ के हिसाब से अच्छा दर्शन, मैंने बाबा जी के दर्शन कर लिए हो गए सपनों में, मैंने जब भी मिले थे मुझसे। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो जो भी आएगा यहाँ पे कैची धाम में ना, तो सबसे पहले किसी नॉर्मल मिठाई की दुकान से आप बेसन के लड्डू या पेड़े कुछ खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद बहुत महंगा है। अपने घर से भी ला सकते हैं आप, अपने घर से भी ला सकते हैं। सबसे अच्छा है कि अगर सेब वगैरह भी आप ले आए या कुछ भी ले आए, मतलब मिठाई के उसमें और प्रसाद में, क्योंकि आपको मतलब चढ़ाना है नहीं, कुछ नहीं करना है। दूसरा यहाँ पे बहुत महंगे हैं, आपको चार बेसन के लड्डू जो है वो मिलेंगे 90 रुपये के, और फिर जो उससे थोड़ा बड़ा वाला डिब्बा है वो आपको 180 रुपये का मिलेगा। तो कोशिश करना है कि मतलब घर से लेके आ जाए प्रसाद, क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एकदम तो स्पंज आ जाते चार भाई। वो प्रसाद को कंपेयर मत करो। नहीं नहीं नहीं, मतलब महंगाई हाँ, तो मतलब कोशिश ये करना है कि आप प्रसाद घर से लेके चले तो वो और भी अच्छा रहेगा। तो चलो आपको ये तो बताइए कि यहाँ पे वीडियोस वगैरह कुछ बना नहीं सकते हैं, तो हमने ज़्यादा बनाई भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो है कि बस दर्शन करके हम आ गए हैं। तो अब हम निकल रहे हैं भीमताल की ओर, तो रास्ते में हम कुछ खा पी लेंगे। तो आप डायरेक्ट हम आपको भीमताल मिलेंगे, क्योंकि दीदी लोग सब वहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारा। हमने नाश्ता ऐसा है, घर पहुँचने के बाद इनकी हो गई है हालत ये, और एक तो बिल्कुल एक्टिव बंदा बैठा हुआ हमारे बीच में, बानरों को भाई खाना मछू, और ताश की गड्डी लेके आया और सबको ऐसे कर दिया ये। हाँ, प्रसाद ले लो, ले रहे हैं। तू खा मैंने ले लिया। हम लोगों ने खा रहे एक, यहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं, और यहाँ पे सपना बना रही है झोई कड़ी। हाय, प्रसाद ले लो। आज हम जैसे कैची धाम मंदिर गए थे, कैची धाम बाबा के मंदिर। ओहो हाँ, सीख गई ये। तो फिर ये कड़ी बना रही है, और ये कड़ी बहुत अच्छी बनाती है। हाँ, मैं ये तेरा बना रहे हैं।
नए खिलाड़ी। हाँ हाँ बताओ पूछो। तो मैं उसमें इंक्लूड हो सकता हूँ? हाँ, सबसे बड़े जुआरी जो बैठे हैं एक तेरा है। क्या है मामा सकून ऊपर भी कर सकता है गेम में वो कर रहे हो। मैंने बनाया था 11। जब लड़ाई हो जाए मुझे उठा देना ठीक है। अभी एक लड़ाई इन दोनों के बीच में होगी। अभी वो शुरू हो गई थी पहले बांटने में नसीब दे दी पहली चाल। अच्छा मुझसे गलती तेरी है। मैं बांट तूरी सीप तूने दी और गलती मेरी खास हो गई तुम्हें। आइए आइए अरे आइए आपकी भी कमी थी ताश खेलने के लिए। आओ आओ तो इनको भी सिखा दीजिए इनको ताश खेलना। ये ताश खेलना इनको भी सिखा दो। ऐसे मत बोलो तो सीप खेलना। सीप खेलना सॉरी ताश नहीं सीप खेलना। सीप में टाइम लग जाता है। तुम्हारा दिमाग कहाँ छो ऑलराउंडर है नशे को छोड़ के सब कर लेते तेरे नाम अगली गेम में ना पार्टनर चेंज होंगे मैं नहीं होंगी इसके साथ। हां तो भाई अभी तक किसने रवाया अभी तक दोनों से एक सीट तुमने लगाई एक सीट तुमने बराबर। भाई मैं तो मजबूरी थी क्या करता मैं मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चौकी टिकी क्या होता है मेरे को बताओ यार। तीन खाओ पहले ओए होए बोनी हो गई नहीं करो इसका कोई मतलब नहीं तीन का। मैं क्या करूं फिर दिल्ली छोड़ दूं यहां पर 11 कर दूं मुझे दे दो नहीं है अब नींद नहीं आएगी मुझे नहीं आएगी मैं अब तो देखना ही पड़ेगा। बैठोगे ना सीख जाओगे तू मेरा कुछ नहीं करेगा मेरे मुंह से क्या सुनेगा मेरे मुंह से। मैं तो एक बकबीदी को समझ में नहीं आया लोगों को। तो रघु जी यहाँ बहुत गाली खा रहे हैं। मैं गलती खुद कर रही है वो गाली नहीं इनका ही रहता भाई। तो भाई ऐसा हमें ताश खेलने तो आते नहीं तो हम वो कलर मिलाने वाला और नंबर मिलाने वाला नंबर मिला एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे रखने है और जिसका नंबर मैच करके वो सारे पत्ते ले जाएगा बस नॉ सिंपल। और ये खेल रहे हैं ऐसे वाला और हम खेलेंगे बच्चों वाला क्योंकि हमें पता नहीं ताश कैसे होते हैं क्या होते हैं और हमें इतना बड़ा होना भी नहीं है। हाँ इतना बड़ा होना भी नहीं है वैसे ही नहीं होता है। तो तुम भी वो भी और अब तुमने बना दिया तो वही खा सकते हैं। किसने चलाया फिर अलग घर बनेंगे तो ये अभी तक सारे तुमने खाए हुए ये मतलब अभी तक तुम ही जीत रहे हो क्या रहे अभी प्लस तुम जीत रहे मैंने फोन से फोटो क्लिक करके जी जी को व्हाट्सएप कर दी। अरे यार मैं तुम्हारी वीडियो बनाते इतने देख लिया था तूने वीडियो क्यों बनाया जी जी देख ले ये क्या कर रहा है फोन से फोन देख रहा था और तू पहले फोन लेके बैठा हुआ था। डीआर के खाना नहीं खा रहा है खा चुका हूं हैं बाहर से खा के आए थे ब्लॉग में बोल रहे हैं। अरे हां हमने चावल वगैरह खाए थे वहां। तो दोस्तों हम सभी लोग अभी मार्केट गए थे वहाँ से अभी हम आए हैं कुछ सामान लेके आए हैं बहुत सारे चिकन वगैरह लेके आए हैं। तो चिकन तो ये लोग ही खाएंगे दीदी लोग क्योंकि हम तो आज कैचीधाम मंदिर गए थे तो हम अपने लिए लेके आए हैं पनीर और सपना भी खाएगी पनीर।
वो हमने वो फ्राइज रखे हैं, फ्राई करने वाले आइटम्स खाएंगे हम, और रात को वो पुलाव बनेगा, भाभी बना रही हैं, दीदी बना रही है ना। हाँ भाई आपने सजेशन दिया था और हमें आपके हाथ का खाना है, हमें नहीं पता। बोले खाऊंगा चिप्स और कोल्ड कॉफी, यही बोल रहा था ना, चिप्स और कोल्ड कॉफी। ये कोल्ड कॉफी पिएगा, हमारे भी बनाएंगे। संजू भाई हमारे भी कोल्ड कॉफी बनाएंगे। ये देखना इन्होंने क्या हाल कर रखा है, ये सपना को केका बना रखा तूने सपना को, ये देखना ये देखना। ओए मंजोलिका, भाई साहब फुल तंत्र मंत्र करने वाली। तो यहाँ पे हमारे संजू बाबा, पंकज भाई, जिया जी, रुचि दीदी, छोटे जिया जी, न्यूल दी, डीआरके डार्क, और सपना बना रहे पनीर बना रहे खिचड़ी। तुम तो चुप रहो मंजुलिका। सबसे छोटे वाले मैं, खैर जिया जी तो मेरे दो ही हैं, मुझे तुम्हारा आवाज ही खत्म। तो जो ये हमारा 8000 रुपए का चलान कटवा के आए भाई, था मैंने कटवा के आया चारों कटवा के, और चलान जिनकी वजह से कटा है एक, चारों कटवा के आया चारों, दो मैं सो रखी थी, मेरे को नहीं पता पुलिस और पुलिस के, पूरे रास्ते सारी लाइट लाइट विकास सुन ना, पूरे रास्ते सारी जो लाइट है उन्होंने हमें अलर्ट किया है, कट गया कट गया। भाई पूरे रास्ते पर,